सरकार भ्रष्टाचारी में लिप्त है, राज्य के खनिज संपदा को लूटने के लिए लिप्त है, पूरे खुलेआम राज्य में भ्रष्टाचारी चल रही है। ये अंधी और बहरी सरकार है, क्योंकि इनकी जो संलिप्तता है, जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जहां जिसके 10 बाप होंगे उसका बेटा कैसा होगा ये आप भी जानते हैं सर। महिलाओं के लिए हो रहे अत्याचार, चाहे वो हत्याकांड से लेकर के एक बाल अपराध हो, रेप कांड हो, और रूपा तिर्की का जो मामला है, जो एक खुद एक आदिवासी बहन है, उन आदिवासी बहन तक को हेमंत सरकार ने अपना इंसाफ नहीं दिला पाई। जामताड़ा प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर मौजूदा हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जामताड़ा बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा, सीएम हेमंत की सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट नीतियों पर काम कर रहे हैं, जगह जगह अपने दलाल लगाकर झारखंड में मौजूद खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार की गलत नीतियों खिलाफ आज मानव श्रृंखला बनाकर पूरे राज्य के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जिला महिला मोर्चा से नीना शर्मा ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाते हुए कहती हैं, हेमंत आदिवासी नेता है और उनकी सरकार है, जब उनकी सरकार में आदिवासी महिला ही असुरक्षित है तो जनसाधारण का क्या हाल होगा अनुमान लगाया जा सकता है। अगर अभी हेमंत सरकार नहीं चाहती तो अगले चुनाव में हम महिला ही सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। वही रीता शर्मा में कहा, जब हेमंत सरकार के सहयोगी पार्टियां ही भ्रष्ट है, जिनसे गठबंधन पर हेमंत ने झारखंड में अपनी सरकार बनाई है, तो हेमंत सरकार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना तो लाजिमी है। सरकार भ्रष्टाचारी में लिप्त है, राज्य के खनिज संपदा को लूटने के लिए लिप्त है, पूरे खुलेआम राज्य में भ्रष्टाचारी चल रही है। महिलाएं और काफी लोग इकट्ठे हुए मानव शुक्ला के लेकर के बीजेपी के द्वारा, जो है आप लोगों के द्वारा जो है मानव शुक्ला का आयोजन किया गया, क्या है उद्देश्य मानव शुक्ला का? आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा नीना शर्मा के नेतृत्व में आज काफ़ी संख्या में महिलाएं बहनें उपस्थित हुई हैं। आज प्रदेश से और सभी जिले और मंडल स्तर में ये मानव श्रृंखला का कार्यक्रम करना था। उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी काम हो रहे हैं वो हेमंत सरकार के द्वारा वो विफल किया जा रहा है। महिलाओं के लिए हो रहे अत्याचार, चाहे वो हत्याकांड से लेकर के एक बाल अपराध हो, रेप कांड हो, और रूपा तिर्की का जो मामला है, जो एक खुद एक आदिवासी बहन है, उन आदिवासी बहन तक को हेमंत सरकार ने अपना इंसाफ नहीं दिला पाई। वो आए दिन पेपर में यही कहते फिरते हैं कि वो हमारी बहन जैसी हैं, शायद वो उनकी बहन अपनी नहीं थी, इसीलिए उनको अपने ही संथाल परगना के अपने ही आदिवासी बहन के साथ वो नाइंसाफी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब उनके साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो हम जो आम जनता है, आम लोग हैं, जो आज वो गद्दी पे बैठे, वो जो गद्दी के लायक नहीं, और हम बहनों के लिए वो क्या इंसाफ दिलाएंगे। इसी के निमित्त हम लोग किसान आंदोलन से लेकर के महिला के लिए आंदोलन बोलिए, फिर आपका पारा शिक्षकों का जो आंदोलन है, उन सब के लिए आज मानव श्रृंखला करके उनको एक अपना आक्रोश जताने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। ये छोटा सा एक मानव श्रृंखला था जो काफ़ी भव्य रूप में और काफ़ी बड़ा रूप में हुआ है। आने वाला समय में अगर वो नहीं चेतते हैं, वो अगर नहीं सचेत होते हैं, तो उनको गद्दी से उतारने का काम हम सभी महिलाएं एक साथ मिलकर करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मीना शर्मा हुआ, जिला महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। यहाँ भारी संख्या में आप लोग पहुँचे हैं और जिस तरह से हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है ये मामला? ये हेमंत सरकार के खिलाफ झारखंड में पूरे प्रत्येक जिला में, इवन कहिए कि जितने प्रखंड हैं, वो सारे प्रखंडों में मानव श्रृंखला बनाकर झारखंड सरकार को चेतावनी देने का कार्य कर रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सारी नेता और जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से उनको चेताने का कार्य कर रही है। इससे हेमंत सरकार जागेगी आपको लगता है? ये अंधी और बहरी सरकार है, क्योंकि इनकी जो संलिप्तता है, जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जहां जिसके 10 बाप होंगे उसका बेटा कैसा होगा ये आप भी जानते हैं सर। धन्यवाद। आपका नाम? रीता शर्मा, झारखंड।
मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री।